हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपनी बुक्स, चाहे वो फाइनल की हो, चाहे इंटरमीडिएट की या फाउंडेशन की, कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास CDS का मेल आए ही आए। आपको क्रॉस चेक करते रहना होगा अपनी वेबसाइट पे CDS वाली कि आपके पास कूपन अवेलेबल है या नहीं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं ICI की वेबसाइट पे। ICI की वेबसाइट पे जाने के बाद कुछ ऐसा सा पेज ओपन हो के आएगा। ये ICI की वेबसाइट का होम पेज है। यहाँ पे नीचे हम स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से हम लोग पहला ऑप्शन या कि CDS, इसको चूज़ कर लेंगे। इसको क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा सा CDS का पेज खुलेगा। यहाँ से हम लोग अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आके साइन इन कर लेंगे। लॉगिन आईडी और पासवर्ड कौन सा हो सकता है? या तो वो SRN नंबर हो सकता है या फिर APP सीक्वेंस नंबर हो सकता है। अगर आपने अपने पासवर्ड को चेंज किया है आपको वो पासवर्ड डालना होगा। लेकिन अगर आपने पासवर्ड चेंज किया है और आपको नहीं याद है, या आपने पासवर्ड चेंज नहीं किया है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। यहाँ पे मैं अपने क्रेडेंशियल्स भर देता हूँ, जैसे कि मैं SRN नंबर से लॉग इन कर रहा हूँ। आई होप अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप भी SRN नंबर से ही लॉग इन करिएगा। SRN नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डाल के मैंने साइन इन कर दिया। साइन इन करने के बाद कुछ ऐसा सा पेज खुलेगा जिसमें आपका कार्ड जो है वो एम्प्टी दिखा रहा है। आइए हम लोग कुछ शॉपिंग करते हैं। हम लोग स्टूडेंट के सेक्शन को क्लिक करेंगे। साइड में फ़िल्टर दे रखे हैं, उसमें से हम स्टडी मटेरियल अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन न्यू कोर्स, अगर आपने न्यू कोर्स में ही अप्लाई किया है आप न्यू कोर्स वाले पे क्लिक करेंगे, नहीं तो ऑल कोर्स के लिए नीचे वाले पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन तीनों के आपको ऑप्शन दे रखे हैं। क्योंकि मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ, मैं इंटरमीडिएट पे की बुक्स ऑर्डर करूँगा। अगर आप फाउंडेशन या फाइनल के हैं तो आप उससे कर सकते हैं। मैं इंग्लिश स्टूडेंट हूँ तो मैं इंग्लिश करूँगा। और मैं यहाँ पे ग्रुप 1 ग्रुप 2 की बात नहीं, मैंने दोनों बुक्स एक साथ ऑर्डर करी हैं, दोनों ग्रुप की। अगर आप ग्रुप 1 की करना चाहते हैं तो आप ग्रुप 1 क्लिक कर सकते हैं, ग्रुप 2 की करना चाहते हैं तो ग्रुप 2 क्लिक कर सकते हैं, और दोनों करना चाहते हैं तो आप देख सकते होंगे बगल में जो बंडल था उसमें आप ग्रुप 1 पे क्लिक करके ग्रुप 1 की सारी बुक्स को सेलेक्ट करके उसको कार्ट में डाल सकते हैं। यहाँ पे ऊपर देख लीजिएगा कि आपकी जो बुक्स हैं वो आपके एग्जामिनेशन टाइम के लिए रिलेवेंट हैं या नहीं। मेरा एग्ज़ाम नवंबर 2022 में पड़ेगा, तो मेरी बुक्स इस समय उस एग्ज़ामिनेशन के लिए वैलिड हैं। मैं उसको ऑर्डर कर लेता हूँ। मैंने सेलेक्ट ऑल ग्रुप 1 के लिए भी कर लिया, और अब मैं ग्रुप 2 की बुक्स को भी सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कूपन अवेलेबल है दोनों के लिए। मैंने दोनों बुक्स को ऑर्डर कर लिया है, कार्ट में डाल दिया है। अब कार्ट में डालने के बाद मुझको कार्ट क्लिक करना पड़ेगा। कार्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे से आपके साइड में डिलीवरी एड्रेस और नीचे पेमेंट की डिटेल्स आ जाएगी, और साइड में, लेफ्ट साइड में आपके कार्ट की डिटेल्स आ जाएगी कि आपने क्या क्या चीज़ें कार्ट में डाली हैं। कार्ट आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कि आपने रेलेवेंट बुक्स जो आपको चाहिए वही क्लिक हुई है, कि आपसे मिस क्लिक हो कि कोई और बुक्स भी आ गई हैं तो उसको एडिट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कूपन अवेलेबल का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके में नहीं आ रहा है तो वेट करिएगा, अगर आ रहा है तो उसको अप्लाई करके आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यू 0 हो चुकी है। आप इसको प्लेस कर दीजिए। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको कुछ ऐसा सा पेज ओपन होके आएगा जिसमें माई ऑर्डर्स का ऑप्शन आएगा। आप यहां से अपनी बुक्स का चेक कर सकते हैं कि जो आपने बुक्स ऑर्डर करी हैं वही हुई हैं या कुछ और हो गई हैं। यहां से आप कैंसिल कर सकते हैं, यहां से आप ट्रैक भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपका मन करेगा। थैंक यू गाइस, सी यू, बाय बाय।